हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपना प्रॉपर्टी अपनी की। तो आज हम फिर आपको लेके आ चुके हैं 2BHK का लग्जरी फ्लैट में। इसी का एक हमने वेरिएंट डाला था 3BHK का, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। ये जो हमारा 2BHK होने वाला है 1100 स्क्वायर फीट में होने वाला है और काफी बढ़िया ये प्रोजेक्ट होने वाला है। बात करूं आपको अगर ड्रॉइंग प्लस डाइनिंग प्लस किचन की, तो 24x12 का हमें एरिया मिलता है। ये बिल्कुल क्लीन एरिया आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी बीच में पार्टीशन देखने को नहीं मिलता। बात करें यहाँ पे आपको कैमरे प्रोविजन लगा कर दिया जाता है कि बाहर अगर आपके घर में कोई आ रहा है तो आप इंटरनली उनको कैमरे के थ्रू देख सकते हैं। ये भी हमारी तरफ से आपको लगा के दिया जाता है। बात कर लें यहाँ पे फॉल सीलिंग का, तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा यूनिक तरीके का एक फॉल सीलिंग है। किचन की बात कर ले तो किचन काफी ज्यादा स्पेशियस है, कबर्ड काफी हमारे खुले डुले देखने को मिलते हैं, स्टोरेज की हमें कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करें किचन में वेंटिलेशन के लिए, तो सामने आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमें व्यू देखने को मिलता है। बात करें अपने लिविंग एरिया की, तो लिविंग एरिया से भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमें उधर व्यू देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं लिविंग एरिया के साथ भी बालकनी काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है। बात करें आप सिंक देखने को मिलता है। बात करें फिटिंग्स की, तो सारी फिटिंग्स आपको जगुआर को देखने को मिलती है। टाइल्स वगैरह की बात करें तो काफी यूनिक तरीके की यहाँ पे जो है वो टाइल यूज की गई है। यहाँ पे वॉल में आप सारी फिटिंग्स देख रहे हैं, काफी अच्छा और कलरफुल हमें यहाँ पे स्विचेस बोर्ड्स देखने को मिलते हैं। बात कर ले अपने लिविंग एरिया की, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी बढ़िया एक एल शेप का सोफा लगा हुआ है, उसके बाद भी काफी ज्यादा हमें स्पेस देखने को मिलती है। फाइनली हमें यहाँ पे 2 बेडरूम देखने को मिलते हैं, इसके साथ हमें एक स्टोर देखने को मिलता है। बेडरूम में एंटर करने से पहले ही आपको इस साइड आपको एक हमारा जो है वो देखने को मिल जाता है स्टोर। स्टोर आपको देखने को, उससे जैसे ही आप आगे आते हैं यहाँ पे आपको एक वॉशरूम देखने को मिलता है। रूम की बात करें तो हमें ये जो पहला हमारा बेडरूम देखने को मिलता है 12.5x10 का काफी स्पेसियस हमें यहाँ पे बेडरूम देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हमारा बेड है वो किंग साइज का बेड लगा हुआ है, साथ में फॉल सीलिंग काफी यूनिक तरीके को आपको देखने को मिलती है। टीवी पैनल की बात करूं तो टीवी पैनल हमें यहाँ पे फ्लैट के साथ ही मिलता है। बात करें यहाँ पे बालकनी की, तो बालकनी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। बालकनी की बात करूँ तो बाहर से आप देख सकते हैं काफी अच्छी वाइब आती है। यहाँ पे आप मौसम के अकॉर्डिंग चेयर वगैरह लगा के काफी अच्छा चिल और एंजॉयमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा होटल वाला वाइब आने वाला है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि अंदर से भी आप बाहर देखते हो तो कितना अच्छा आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपने ड्रेसिंग एरिया के लिए, तो हमारे ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे 4x4 का एक काफी खुला डुला स्पेस देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारे सारे कवर्स की फिटिंग मिलती है, जहाँ पे आपको स्टोरेज काफी अच्छा मिलता है। बात करें यहाँ पे वॉशरूम की, वॉशरूम में हमें आप देख सकते हैं जो टाइल्स है सारे टॉप तक देखने को मिलते हैं, काफी अच्छा टाइल का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। फिटिंग्स जितनी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है सारी जगुआर की फिटिंग्स मिलती है। स्विचेस आप जो भी देख रहे हैं आपको गोल्ड मेडल के स्विचेस देखने को मिलते हैं। आप इंटरनेट पे भी डेफिनेटली सर्च कर सकते हैं, ये काफी दोनों अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, तो यहाँ पे जो क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया गया है। दरवाजे आप देखेंगे तो काफी अच्छी तरीके के हैवी क्वालिटी के आपके दरवाजे यूज किए गए हैं, तो किसी भी चीज में आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं मिलता है। तो अपने दूसरे बेडरूम का, तो जो हमारा दूसरा बेडरूम है ये है हमारा 13.5x10 का। आप देख सकते हैं किंग साइज का बेड लगा हुआ है, कबर्ड हमें टॉप तक देखने को मिलता है, फॉल सीलिंग हमें काफी यूनिक देखने को मिलता है। टीवी पैनलिंग की बात करूं तो हर रूम में आपको जो टीवी पैनल है वो अलग अलग तरीके को देखने को मिलता है। एसी का प्रोविजन आपको ऑलरेडी डला हुआ यहाँ पे मिलता है। और व्यू की बात करूं तो बालकनी आपको यहाँ पे एक बढ़िया विंडो दिया गया है जहां से आप बाहर के व्यू का नजारा ले सकते हैं। कबर्ड्स की बात कर लेता हूँ, काफी स्पेसियस और यहाँ पे कबर्ड सनमाइका वगैरह यूज किया गया है, ये काफी अच्छे तरीके से यूज किया गया और स्पेसियस कबर्ड देखने को मिलता है। इस रूम के साथ भी मैं आपको एक खास बात बता दूं कि इसके साथ भी आपको बालकनी मिलता है, जो कि जो हमारा पहला बेडरूम था उसके साथ अटैच बालकनी मिलता था। हमारा दूसरे रूम के साथ भी मिलता है, यानी दोनों रूम के साथ हमें सेम अटैच बालकनी मिलता है, जहां पे कोई भी कहीं से आके एंजॉय कर सकता है, चिल आउट कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की प्राइस। जो हमारा प्राइस है 2BHK का वो 39,90,000 से स्टार्ट हो जाता है। ये प्राइस नेगोशिएबल है, आप ऑन कॉल प्राइस का डिटेल जान सकते हैं, प्रोजेक्ट का डिटेल जान सकते हैं, और इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी लेनी है
आप ऑन कॉल ले सकते हैं। साथ में ही मैं यहाँ पे साइड में एक यहाँ की एमिनिटीज की लिस्ट लगा देता हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या एमिनिटीज मिलती है। अगर आपको इस पूरे सोसाइटी के बारे में जानना है तो आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ की जो हमने तिचके की वीडियो शूट की थी उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको सारी डिटेल और जानकारी मिल जाएगी कि ये हमारा प्रोजेक्ट कैसा होने वाला है। थैंक यू।